मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों अगर आज आपके जीवन में कोई भी दुख समस्याएं चिंताएं हैं मेरे दोस्तों, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो या कोई आपसे बातें नहीं करता या आपके जीवन में कोई भी क्लेश क्यों ना हो, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरे दोस्तों आज हम कुछ वचन लेकर आए हैं। प्रभु के इन जीवित वचनों को आप लोग विश्वास करें, इन वचनों पर आप लोग विश्वास करें, तभी आपके जीवन में ये वचन कार्य करेगा और आपको हर एक दुख चिंता हर एक बीमारियों से प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों के लिए रोज़ाना वचन लेकर आते रहते हैं, लेकिन जब तक आप इन वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ये वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें और प्रभु से बोले, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, मेरे दोस्तों आपके जीवन में जरूर प्रभु कार्य करेंगे, आपको हर एक दुख चिंता बीमारियों से आज़ाद करेंगे, चाहे वो कर्ज की हो या कोई भी समस्याएं कोई भी चिंताएं आपके जीवन में लगी रहती है, कोई भी दुख आपके जीवन में लगी रहती है बहुत दिनों से जा नहीं रही, तो आपके जीवन से वो सारी चीज़ें वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप लोग विश्वास करें, आप लोग इस वचन पर विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को वचन बताते हैं। पहला वचन है यशायाह अध्याय 41 पद संख्या 11, जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। मेरे दोस्तों प्रभु का वचन कहता है प्रभु हर समय आपके साथ रहता है और प्रभु बोलता है जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित होंगे, जो तुम्हारा अपमान करते थे, जो आपका अपमान करते थे वे लज्जित होंगे, प्रभु उनको लज्जित करेंगे। मेरे दोस्तों आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें और प्रभु कहता है जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, जो तुम पर अत्याचार करते थे आपसे लड़ते थे मेरे दोस्तों वे सारे लोग प्रभु उसको मिटा देंगे, प्रभु आपके जीवन से उन सारे लोगों को दूर कर देंगे। मेरे दोस्तों आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु हर एक चीज़ों को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, प्रभु हर एक हालातों को चेंज कर देता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप प्रभु पे भरोसा रखें, अपने आप पर कभी भी निर्भर नहीं रहे, प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु आपके जीवन से हर एक दुश्मनों को दूर कर देगा, हर एक दुश्मनों को मिटा देगा, इसलिए आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें। प्रभु का दूसरा वचन है एजेकियल अध्याय 34 पद संख्या 15 से 16 तक, प्रभु कहता है मैं स्वयं अपने भेड़ चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखलाऊंगा, जो भेड़ खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु हम लोगों से कितना प्रेम करता है आप लोग इन वचन के द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग प्रभु के भेड़ हैं, प्रभु हमारा चरवाहा है मेरे दोस्तों, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, अगर हम कहीं भटक भी जाए तो प्रभु हमको संभालेगा, उन सारे मुसीबतों से हमको निकालेगा। अगर हमारे ऊपर कोई विज्ञक हमें प्रभु क्या कहता है, अगर वो घायल हो जाए तो मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख समस्या आएगा तो प्रभु आपको उन दुख समस्याओं से उन चिंताओं से आपको निकालेगा। मेरे दोस्तों अगर आप बीमार रहेंगे तो प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं। तो मेरे दोस्तों हम लोगों को उस पर विश्वास करना है, उनके वचनों पर विश्वास करना है और हर समय प्रभु पे भरोसा रखना है। प्रभु का अगला वचन है संत मती अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो और ये चीज़ें तुमको यों ही मिल जाएगी। मेरे दोस्तों प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अधिकतर बार हम उस समय निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई भी चीज़ की कमी होती है, पैसे की कमी हो या कोई भी चीज़ की, कोई खाने की या हमारे घर में कोई भी चीज़ की खाने की कमी हो, तब हम उदास हो जाते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन प्रभु कहता है सबसे पहले तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, उनकी धार्मिकता की खोज करो, तुमको सारे चीज़ें यूँ ही मिल जाएगी। मेरे दोस्तों चिड़िया क्या करता है, वो कभी भी अपने वखार में मतलब अपने घोंसले में कभी भी कुछ भी जमा नहीं करता है, लेकिन प्रभु उनको हर समय हर दिन खिलाता है। मेरे दोस्तों क्या हम लोग चिड़िया से बढ़कर नहीं, क्या हम पशु पक्षियों से बढ़कर नहीं, प्रभु हर एक चीज़ों को देखता है, हर एक लोगों को देखता है, तो क्या हम उन लोगों से बढ़कर नहीं, प्रभु हम लोगों की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन सबसे पहले हमको प्रभु की धार्मिकता और उनकी खोज में लगे रहना चाहिए, इसलिए सब चीज़ें आपको प्रभु ऐसे ही दे देगा। आप लोग प्रभु पे विश्वास करें और इन वचनों पर विश्वास करें। प्रभु का अगला वचन है
नीति वचन अध्याय 24 पद संख्या 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है यदि आपके जीवन में कोई भी दुख विपत्ति कोई भी समस्याएं आती है तो आप लोग हिम्मत बना के रखें, धैर्य रखें, प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 23 पद संख्या 11, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख समस्याएं चल रही है तो आप लोग प्रभु पे धैर्य बना के रखें, अपना हिम्मत नहीं हारे, प्रभु पे विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु हमको छुड़ाने वाला, जो हमको छुड़ाता है यहोवा परमेश्वर, वो सामर्थ्य है, वही हमारी ओर से हमारे हर एक दुख विपत्तियों से लड़ेगा। हमारे जीवन में जो भी दुख चिंताएं हैं प्रभु उनसे लड़ेगा और हमको आज़ाद करेगा। इसलिए आप दुख के समय विपत्ति के समय अपनी साहस ना छोड़ें। प्रभु का अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 18, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है। प्रभु कहता है जो मुझे दुहाई देगा, जो मुझे पुकारेगा, मैं उनकी सुनूंगा और उन्हें उन संकट से छुड़ाऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख समस्याएं हैं तो आप लोग प्रभु को पुकारें, प्रभु से विनती करें, प्रभु आपको जरूर उन संकटों से मुक्त करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरी ओर भरोसे से ताकता है मैं उनको कभी निराश नहीं करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग प्रभु पर भरोसा रखें और उनसे प्रार्थना, उनसे निवेदन करें, उनकी दुहाई दें, तो प्रभु आपकी सुनेगा और आपको हर एक दुख संकटों से आपको आज़ाद करेगा और आपको आशीषित करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों ने इन वचनों को अपने जीवन में लागू किया, अपने जीवन में इन वचनों को याद रखा और अपने जीवन में इन वचनों पर पूरा भरोसा किया और प्रभु से प्रार्थना किया, तो आप लोग अपने जीवन में प्रभु की अनुग्रह को, प्रभु की आशीष को जरूर ले पाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।